के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर प्रदेशवासियों को दी बधाई, कहा वाल्मीकि ने दिखाया था सत्य एवं कर्तव्य प्राणता पर चलने का मार्ग। 26 को गोरखपुर आएंगे राज्यपाल राम नाईक, गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के राजपुर के पास पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाशों से मुठभेड़, एक बदमाश को लगी पैर में गोली, एक सिपाही भी घायल। एसएसपी ने कहा बड़हलगंज थाने का था हिस्ट्री शीटर, हत्या के मामले में था वांछित। महानगर के दो वार्डों का कमिश्नर ने किया निरीक्षण, व्यवस्था से दिखे असंतुष्ट, सफाई सुपरवाइजर का रोका वेतन। 25 और 26 अक्टूबर को होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारियां पूरी, एसएसपी ने कहा 19 केंद्रों पर 3 पालियों में होगी परीक्षा, सुरक्षा के हैं व्यापक प्रबंध। अवैध पटाखों की दुकान पर चला प्रशासन का चाबुक, नखास स्थित ओसामा एंड कंपनी को सिटी मजिस्ट्रेट ने किया सील। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किए जाने पर जफर अमीन डक्कू का पार्टी कार्यालय पर ढोल नगाड़ों के साथ हुआ जोरदार स्वागत। 24 से 30 अक्टूबर तक चलेगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अभियान, पात्र व्यक्तियों का राशन कार्ड बनाने के डीएम ने दिए निर्देश। नगर निगम प्रशासन के लिए गले की फांस बना कूड़ा निस्तारण स्थल, कूड़ा वाहन चालकों से बदसलूकी कर रहे हैं डंपिंग एरिया के स्थानीय लोग। त्योहारों के मद्देनजर पार्कों की साफ सफाई व्यवस्था का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण। दीक्षांत समारोह के अवसर पर आयोजित हुई कावंजलि, युवा कवियों ने दिखाई अपनी प्रतिभा, मंत्रमुग्ध हो उठे श्रोता। कुलपति ने कहा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कविता है उचित माध्यम। वेतन न मिलने से सफाई कर्मियों का फूटा गुस्सा, नगर निगम गेट बंद कर किया प्रदर्शन, समझाने पर माने। 3 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने दिया एक दिवसीय धरना। बहुजन क्रांति मोर्चा राष्ट्रीय संयोजक की गिरफ्तारी को लेकर कार्यकर्ता हुए आक्रोशित, किया आंदोलन। और पुरानी पेंशन बहाली सहित विद्यालयों के विभिन्न समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने दिया धरना।